हेलो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे लेटेस्ट फोटोशूट की फोटोज देखना चाहते हो और हमारे बिहाइंड द सीन वीडियोस देखना चाहते हो जो कि बहुत ही कॉमेडी हिलेरियस होते हैं, तो हमें फॉलो कीजिए हमारे इंस्टाग्राम आईडीज पे जो कि है रमनीक सिंह 1313, पुनीत कोचर 1313, रमनीक सिंह 1313, पुनीत कोचर 1313। ओके, आप दोनों आईडीज को फॉलो करो, रमनीक सिंह 1313 एंड पुनीत कोचर 1313। और हाँ, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। सुष्मिता, हाँ जी भाभी। अरे क्या हुआ बच्चों, तुम ठीक तो हो? पापा वो ना, हाँ जी भैया, हम लोग ना खाए पिए और मस्ती किया। अच्छा ठीक है, तुम जाओ। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि सुष्मिता बच्चों को मारने वाली थी? नहीं नहीं रमनीक, ये आपका वहम है। आपने सुना नहीं उसने क्या कहा? वो और बच्चे खेल रहे थे। अरे बच्चों, तुम बताओ क्या सुष्मिता का हाथ उठने वाला था? पापा, सबसे पहले सुष्मिता दीदी हमारे साथ बहुत अच्छा बिहेव कर रही थी। उसके बाद हमने उन्हें परेशान करना शुरू कर दिया तो उनको गुस्सा आ गया। तो फिर? फिर हो सकता है कि वो थप्पड़ मारने लगे, पर उससे पहले मम्मा आ गई, तो कह नहीं सकते। देखा रमनीक, पक्का कह नहीं सकते। मेरा दिल जानता है कि सुष्मिता कभी ऐसा नहीं करेगी, वो कभी भी हमारे बच्चों पर हाथ नहीं उठाएगी। आपको पता है क्यों? क्योंकि उस पर गोली बाबा का जादू है। अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? आप कुछ मत समझाओ, कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। आप इस टाइम शर्त हार चुके हो और अब आपको मेरी वो सारी बातें माननी पड़ेंगी। मैं जा रही हूँ। तुम कहाँ जा रही हो? मुझको पता है कहाँ जा रही है, इसको जाने नहीं देना हमने। चलो आओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, उनको हमने जाने नहीं देना यहाँ से। हाँ, नहीं जाने देंगे। तुम नहीं जा सकती। मैं जाऊंगी। तुम नहीं जा सकती पुनीत। मैं जाऊंगी। नहीं पुनीत, हम तुम्हें नहीं जाने देंगे। रमनीक रास्ता छोड़ दो, मैं जाऊंगी। नहीं जाने देंगे हम पुनीत। मुझे जाने दो। तुम नहीं जा सकती पुनीत। मुझे जाने दो रमनीक। पुनीत समझने की कोशिश करो। रमनीक आप समझने की कोशिश करो, गोली बाबा ने इस घर के लिए कितना कुछ किया है, हम उनके लिए एक छोटी सी चेन नहीं दे सकते? नहीं पुनीत। अरे पुनीत, पुनीत 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 पुनीत, तुम नहीं जा सकती, मैंने कह दिया पुनीत। रमनीक मेरे आगे से हट जाओ, मुझे जाने दो। बच्चों चलो चलो अंदर, तुम पुनीत अंदर चलो। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। रमनीक रमनीक दरवाजा खोलो। सॉरी पुनीत, तुम्हें रोकने का बस अब यही एक तरीका बचा था। ये आप बिल्कुल सही नहीं कर रहे, गोली बाबा बहुत नाराज होंगे। तुम एक काम करो, अंदर बैठ के गोली बाबा का जाप करो, शायद ये दरवाजा जादू से खुल जाए। हाँ ये अच्छा आइडिया है। हे भगवान, ये इसे अच्छा आइडिया लग रहा है। गोली बाबा टिमटिमाए टिमटिम, खुल जाए दरवाजा सिम सिम। पापा मेरे को मम्मा को ऐसे लॉक करे भी अच्छा नहीं लग रहा। हाँ पापा मुझे भी। बेटा तुम लोगों ने अपनी मम्मा की हरकतें देखी हैं, तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, जाओ अपने कमरे में जाके खेलो। ठीक है पापा। गोली बाबा टिमटिमाए टिमटिम, खुल जाए दरवाजा सिम सिम। गोली बाबा टिमटिमाए टिमटिम, खुल जाए दरवाजा सिम सिम। गोली बाबा टिमटिमाए टिमटिम, खुल जाए दरवाजा सिम सिम। गोली बाबा टिमटिमाए टिमटिम, खुल जाए दरवाजा सिम सिम। चलो कुछ खेलते हैं। हाँ तू सही कह रहा है, कब तक हम ये मुंह लटका कर बैठे रहेंगे? मोबाइल पर ना एक न्यू गेम आई है, चलो वो खेलते हैं। मुझे वो मिल ही नहीं रही। कौन सी? वो स्टार्स वाली? हाँ वही। लाना मैं ढूंढती हूँ, देखो अगर आपको मिलती है तो। हाँ ओहो, ये कौन सी ऐप खुल गई, न्यूज की होगी। क्या हुआ शिनाया? ये देखो न्यूज में क्या लिखा है।
क्या लिखा है? गोली बाबा फ्रॉड है। उन्होंने बहुत से लोगों को बुद्धू बना के उनसे बहुत सारे पैसे लिए हैं। चलो जल्दी ये पापा को दिखाते हैं। हाँ चलो। पापा ये देखो। ये क्या? गुलशन नाम का एक आदमी गोली बाबा बनकर कई दिनों से लोगों को बेवकूफ बना रहा था। छानबीन करने पर उसके घर से लाखों रुपए, सोने की बहुत सारी चेन और अंगूठियां बरामद हुई हैं। मम्मा मैं थक गई। रमनीक, रमनीक दरवाजा खोलो ना। रमनीक कोई भी जादू काम नहीं कर रहा। अब प्लीज दरवाजा खोलो, मेरी बात सुनो ना। इससे पहले कि तुम कुछ बोलो, इसको देखो पहले। पुनीत, पुनीत, मम्मा, पुनीत, नानिया, नानिया जल्दी से पानी लेकर आ बेटा। पुनीत। हाँ जी पापा, ये लो। ला बेटा ला। गोली बाबा झूठे निकले। उन्होंने मुझे इतने पैसे लिए। मैंने उन पर इतना विश्वास किया और वो मुझे अपने जाल में फंसा रहे थे। चलो छोड़ो इन बातों को। शुक्र है तुम्हारी सोने की चेन तो बच गई। मेरी सोने की चेन बच गई। शुक्र है मेरी सोने की चेन बच गई। अब मैं किसी भी बाबा की बातों में नहीं आऊंगी। अच्छा अच्छा ठीक है, अभी रोना धोना बंद करो। रमनीक, इसका मतलब तो सुष्मिता में सुधरी नहीं है। वो वैसे की वैसे ही है, तेज, चालाक, शातिर। शुक्र है तुम्हारी आंखें तो खुली। रमनीक, मैं अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हूँ। कोई बात नहीं पुनीत, हो जाता है कभी कभी। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा कि सुष्मिता अभी तक हमारे सामने इतना अच्छा बनने का नाटक कर रही है। पर अब मैं उसे सबक सिखाऊंगी। हेलो, जैसे जैसे प्लानिंग किए थे वैसे वैसे ही किया है मैंने। भाभी को तो मेरे पे पूरा भरोसा हो गया है। उन्हें लगता है कि मैं बहुत अच्छी बनी हूँ। हाँ, काश तुम भी यहाँ आ पाते तो फिर खेलने में और मज़ा आता। अब देखो मैं क्या करती हूँ। अब वक्त आ गया अपनी आखिरी बार करूँ। सुष्मिता, चलो मैं अभी बाद में करती हूँ, नाटक करने का टाइम शुरू हो गया है। हाँ जी भाभी। बेटा मेरा ना राजमा चावल खाने का बहुत दिल कर रहा है, तू ना फटाफट चावल चढ़ा दे, मैं राजमा की तैयारी करती हूँ। पर भाभी इतने जल्दी राजमा कैसे बनेंगे? बन जाएंगे, मुझे एक शॉर्टकट आता है, तू बस चावल की तैयारी कर। ठीक है। आज तो मजा आ जाएगा। अरे वाह, आई लव राजमा चावल। क्या बात है, आज तो वाकई बहुत सुंदर लग रहे हैं राजमा चावल। अरे देखने में कितने सुंदर लग रहे हैं, आज मैंने नए तरीके से बनाए हैं। अरे यार आज फिर से मेरा प्लान फेल हो गया। ऐसा कब तक चलेगा रमनीक? सुष्मिता का खेल हमें जल्द से जल्द खत्म करना होगा। उसको अपने आसपास देखकर मुझे बहुत घबराहट होती है। बात तो सही कही है तुमने, अब तो मुझे भी उससे डर लगने लग गया है। आप मानोगे नहीं, आज मैंने उसे जानबूझकर कहा कि मैं शॉर्टकट से राजमा बनाऊंगी, नहीं तो अगर वो खाना बनाती तो फिर कुछ गड़बड़ कर देती। ये तुमने बिल्कुल ठीक किया, उसका हर बार का ये ड्रामा बन गया है। कभी मिर्च ज्यादा डाल देती है, कभी खाना जला कर ले आती है, और फिर ऐसे बनती है कि उसने कभी कुछ किया ही नहीं। हाँ रमनीक। चलो अभी सो जाओ, फिर सुबह उठकर सोचते हैं इसका करना क्या है।
मेरी बात सुनो, हम सुष्मिता को गुनहगार साबित करने में क्यों लगे हैं? जब हमें पता है कि वो दोषी है तो हम उसे सजा क्यों नहीं दे रहे? मतलब कि अभी तक तो वो हमें गुमराह कर रही थी, उसने मुझे कॉन्फिडेंस में ले लिया और मुझे लगने लगा कि वो सुधर गई है। हाँ। पर अब तो मुझे पता चल गया है कि वो सुधरी नहीं है। तो तुम करना क्या चाहती हो? मैं चाहती हूँ कि हम उसको दें सजा और उसको उसके कर्मों की सजा मिलनी चाहिए। अरे वो तो ठीक है, लेकिन तुम करोगी क्या? उसका जीना हराम। अच्छा हुआ तुम आ गई, मैंने तुम्हें सारी सिचुएशन समझा दी है, अब तुम भी बताओ करना क्या है। रमनीक तुम बिल्कुल चिंता मत करो, आज मैं फुल प्रूफ प्लान के साथ आई हूँ। लेकिन वो प्लान है क्या? तुम सुष्मिता को बुलाओ, सीधा एक्शन में आते हैं। रुको, मैं लाती हूँ सुष्मिता को। मुझे लॉक क्यों किया था तुमने? तुम चलो, तुमसे मिलने को आया है। मुझसे कौन? तुम चलो तो सही। सुष्मिता, इसे ध्यान से देखो, ध्यान से देखो इसे, अब तुम्हें नींद आ रही है, अब तुम्हें नींद आ रही है, अब तुम पूरी तरह मेरे वश में हो, मैं जो कहूँ उसका सच सच जवाब देना। बताओ क्यों हो तुम इस घर में, क्यों हो तुम इस घर में, क्यों हो तुम इस घर में, क्या चाहती हो, क्यों आई हो, बताओ। बदला। बदला किससे और क्यों? इन सब से, भैया से, भाभी से, बच्चों से, मैं बदला लेकर ही रहूंगी, नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी। तू हमें नहीं छोड़ेगी, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगी। रमनीक संभालो पुनीत को, मैं से ठिकाने लगाती हूँ। ये मैंने क्या कर दिया, मैंने सारी उगाल दी, अब इन लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे। मेरा फोन कहाँ है? हेलो, सुनो, बहुत बड़ी मुसीबत हो गई है, इन लोगों के सामने मेरा भंडा फूट गया है, अब मुझे इन लोग नहीं छोड़ेंगे, मुझे तुम्हारी जरूरत है, तुम जल्दी से आ जाओ, फिर हम मिलकर इनकी सामना करेंगे, तुम जल्दी आओ। बहुत बहुत शुक्रिया मासूम का डर सीजन 3 को इतना प्यार देने के लिए। हम बहुत जल्द लौटेंगे सीजन 4 के साथ।